मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। वे मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ और इसी बीच जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई है। फिलहाल कोई और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। शपथ लेने से पहले मोहन यादव ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलूंगा और सुशासन सुनिश्चित करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजन शुक्ला कहता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह